हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीता बिश्नोई। ये ब्यूटीफुल पाम पार्लर पाम है। ये पार्लर पाम देखिए कितना प्रिटी है, और ये मेरा करीब 4 साल पुराना है, और इसकी हाइट ज़्यादा नहीं जाएगी, मैक्सिमम 3-4 फीट जाती है। तो ये अगर आप पाम्स ढूंढ रहे हैं तो उनमें से ये एक पाम हो सकता है, और भी पाम्स मैं दिखाऊंगी, उनमें से आप चूज़ कर सकते हैं जो आप लगाना चाहते हैं घर में। अभी जुलाई का मंथ है, बारिशों के दिन है, जितने भी पाम्स होते हैं सब ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर इंजॉय करते हैं, लाइक करते हैं। तो रेनी सीजन में अगर ये लगाएंगे तो बहुत इजीली ये सारे प्लांट्स लग जाएंगे, और घर के अंदर इंडोर एयर प्योरीफाइंग प्लांट तो है ही हैं, साथ में ये बहुत खूबसूरती बढ़ाते हैं घर की, एस्थेटिकली बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। और ये वाला पार्लर पाम अगर आप चाहते हैं तो इसकी क्वालिटी ये है कि ये बहुत टॉल नहीं होगा, बुशी हो जाएगा, एकदम ग्रीन रहता है। और अगर आपका ड्राइंग रूम छोटा है, बालकनी छोटी है, जहाँ पर आप रखना चाहते हैं, बहुत टॉल प्लांट नहीं ढूंढ रहे, तो ये एक प्लांट है। अब हम लोग सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन है फैन पाम, या इसको चाइनीज पाम भी कहते हैं। ये हालांकि अगर ज़मीन पे लगाते हैं तो ये बहुत टॉल हो जाता है, कंटेनर छोटे में रखते हैं तो ये स्लो ग्रोइंग है, धीरे धीरे करके बढ़ता है। अगर सॉइल में लगा दिया ज़मीन पे तो ग्रोथ थोड़ी फास्टर हो जाती है। ये ज़्यादातर हर प्लांट के साथ है, ये भी इजी टू केयर है, और जितने भी पाम्स दिखाऊंगी मैं ये सारे शेड लविंग हैं। शेड में रखेंगे तभी ठीक रहेंगे, नहीं तो सबकी लीव्स की एजेस ब्राउन होने लगती हैं। ये इनकी सबसे पहला साइन होता है कि इनमें हीट ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी कम है एयर में। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन मैंने लिया है बहुत ही प्रिटी एरिका पाम। एरिका पाम एक बहुत प्रिटी प्लांट है, सबसे कॉमन पाम है। अगर आपने पाम्स देखे हैं तो ये सबसे ज़्यादा आपको नज़र आता होगा। ये आपको जितने भी पाम्स हैं थोड़े महंगे मिलते हैं, अगर वेल ग्रोन होंगे तो 250 के करीब मिलेंगे, और ये बहुत इजी टू केयर है, स्लो ग्रोइंग प्लांट है। ये मेरा इसी कंटेनर में करीब 5-1 साल से है, तो धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होती रहती है। ये भी शेड लविंग है, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखे। जितने भी पाम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा आपको रीलोकेट ना करें, बार बार इसकी पोजीशन ना चेंज करें। ये बहुत यूज्ड टू हो जाता है एक ही लोकेशन में रहने के, जहाँ पर इनको स्पेशली गर्मियों में शेड मिलती हो, और इनको 2 साल में 2 बार भी फर्टिलाइज करते हैं वो इनके लिए एनफ हो जाता है। लेडी पाम या रेफेस पाम, ये भी बहुत ही प्रिटी प्लांट होता है, ये भी इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। इसको लगा सकते हैं अपने बड़े कंटेनर में, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ होती है, वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम होता है इसका, और ये प्लांट स्लो ग्रोइंग होता है, धीरे धीरे करके पूरा कंटेनर भर जाता है और बहुत प्रिटी लगता है इंडोर रखा हुआ। साइकस पाम एक टफ प्लांट है, और ये फुल सनलाइट इंजॉय करता है, मगर जब समर्स में इसके नए ऑफ शूट्स निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं, जैसे इसमें निकल रही हैं मेरे प्लांट में, तब इसको आप थोड़ा शेड प्रोवाइड करें, नहीं तो नई लीव्स कई बार जल जाती हैं। और ये नई लीव्स बहुत खूबसूरत लगने लगती हैं जब ये पूरी खिल जाती हैं, एकदम ग्रीन कलर की, और ये थोड़ी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और काफ़ी दिन तक एक ही कंटेनर में रह जाता है, इसको बार बार रिपॉट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये है पोनीटेल पाम या नोलिना पाम। ये बहुत खूबसूरत प्लांट है, स्लो ग्रोइंग है, और जो ये मैं प्लांट अपना दिखा रही हूँ ये करीब 25 ईयर्स ओल्ड है। इसका कॉडेक्स बहुत बड़ा हो चुका है, और ये बहुत दिनों तक एक ही कंटेनर में रहता है। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं जाती अगर आपने कंटेनर में लगाया हुआ है, और कईयों में इसमें ऑफशूट्स भी निकलती हैं साइड से, इसमें अभी एक भी नहीं निकली, और ये पाम का लुक भी बहुत खूबसूरत होता है। इसको अगर छोटा रखना चाहते हैं तो छोटे कंटेनर में लगा के इसका जल्दी जल्दी पॉट चेंज ना करें, तो काफ़ी दिन तक ये थोड़ा छोटा ही रहता है। इनफैक्ट इसको कई लोग प्रून भी कर देते हैं, और उसके बाद में इसमें ब्रांचेस सी आ जाती हैं।
ये वाला मेरे ख्याल में बहुत टफ पाम है, ये आप इजीली मेंटेन कर लेंगे कम एफर्ट में। इसमें कई बार पानी रह जाता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके कॉडेक्स में देखिए काफ़ी मॉइस्चर स्टोर्ड रहता है। इसके अलावा इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ मैं करती भी नहीं हूँ। इनफैक्ट इसको मेरे को याद ही नहीं कि कितने सालों से मैंने इसमें फर्टिलाइज़र डाला ही नहीं है। तो ये काफ़ी टफ पाम में से एक है और ये खूबसूरत भी बहुत है। अभी तो ये बहुत पुराना हो गया है इसलिए बड़े कंटेनर में लगाया हुआ है, नहीं तो थोड़े छोटे कंटेनर में भी लगा के आप इसको अपनी बालकनी टेरेस में रख सकते हैं। ये मैंने भी अपने बालकनी में रखा हुआ है। ये परफेक्ट पाम तो नहीं है मगर इसको वाटर पाम कहते हैं और ये भी पाम के लुक का ही होता है, बहुत ईजी टू ग्रो होता है। इनफैक्ट इसको सेमी हाइड्रोफोनिकली भी बहुत ईजीली ग्रो कर सकते हैं, बहुत ईजिली मल्टीप्लाई करता है, ये भी मॉइस्चर बहुत लाइक करता है, साथ में इसके साथ ह्यूमिडिटी और शेड। तो ये भी एक ऑप्शन है पाम के लुक के लिए। अगर आपको और भी प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।